मंगाली और कोलारस को चुनाव में जीत के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है और इसी के चलते सागर जिले के राहतगढ़ में भी कांग्रेसियों ने जमकर खुशियां मनाई। इस जश्न जीत के दौर में एक आम सभा का आयोजन नगर के बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस खुशी के मौके पर कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की और अपनी जीत की खुशी मनाई। आम सभा शुरू करने से पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही आम जनमानस और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को देते हुए कहा कि ये जीत कांग्रेस की ईमानदार कार्यकर्ताओं की मेहनत और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आत्मव्यक्तित्व और मिलनसार छवि का फल है। पूरा प्रदेश की नहीं, पूरी देश की निगाह मंगावली और कोलारस के चुनाव पर थी। क्यों थी? एक तरफ कांग्रेस के ईमानदार कार्यकर्ता काम कर रहे थे, हमारे नेता लगे हुए थे, प्रदेश के सभी नेताओं ने प्रयास किया, पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की उनका जो वहां पे व्यक्तित्व है, जो काम करने की शैली है, जो उनका लोगों से जुड़ाव है, जो सुख दुख में भाईचारे में शामिल होते हैं, उन सब के कारण और आपके पूर्व विधायक गोविंद सिंह दो ढाई महीना से घर नहीं लौटे, ईमानदारी की बात है। एक दिन आए थे तो महाराज ने कहा भाई, बोले महाराज हम लीला, बोले नहीं तुम्हारी लोकेशन सागर बता रही थी, आजकल मोबाइल में लोकेशन आ गई, बोले आप तत्काल वापस जाइए। परसों वहां पहुंच गए थे, इतनी लेट।